हरि बोल भोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। ओम ज्ञान विरामदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकापदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्यैः कीप्तासि कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासि हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै। हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव मित्रुत मंदमतीर्दयांगरा तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा के बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि करता हूँ एवं श्री कामेश्वर श्री महादेव अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिताएं भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गत गल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण जब उन्हें पुतना को वध की
नंद बाबा गए हुए थे मथुरा में कंसों को कर देने के लिए। जब मथुरा से वापस आए तब उन्होंने सुना कैसे ये पुतना बड़ी सुंदर सधज करके आई थी, लेकिन निकली वो पुतना है। नंद बाबा ने कहा देखो अंदर में एरे गरे व्यक्तियों को घुसने मत दिया करना, जब तक मेरे और जसोदा का आदेश नहीं हो तब तक कोई अंदर में घुस नहीं पाए। इसलिए पहरादार बड़ा कड़क पहरादार लगा दी। इतने में श्री भोले बाबा आए। भोले बाबा ने देखा ठाकुर जी का तो सारे लीला हमने दर्शन की, लेकिन वे भगवान होते हुए भी अभी बाल गोपाल रूप में अगर मच्छर कटे ना अगर काटता है प्रभु रोते हैं, भूख लगे तो प्रभु रोते हैं, फिर भैया उनको खाना खिलाती है। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया अभी उनको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके उनको चलाना सिखाती है। कभी ये लीला था हमने कभी देखो ही ना। इसलिए शंकर जी जब श्रृंगार करके आए, हम लोगों को पता है शंकर जी के श्रृंगार किया है। शंकर जी को बताया ना सत्यम शिवम सुंदरम, उनका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी की जो ड्रेस है ऊपर से देखो तो वो लगता है बड़े अभद्र जैसे। शंकर जी की कौन सा वस्त्र पहनते हैं, कभी व्याघ्र चर्मुकुट पहनते हैं, कभी गले में कौन सा माला है, कभी ये सर्प की माला है। बोली ये सर्प कौन है, बोली ये साधारण सांप नहीं है, ये साक्षात श्री अनंत देव है। कभी अनंत देव कौन है, बोली ये शंकर जी की गुरु है। इसलिए शंकर जी शिक्षा देते हैं अगर अलंकार पहनना तो किस चीज के अलंकार को पहनो, बोले गुरु जी की उपदेश रूपी अलंकार को धारण करो जिससे तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं, कोई स्नो पाउडर नहीं, क्या लगाते हैं, शमशान की राख मलते हैं। बोले क्यों, क्या उनको कोई पाउडर चंदन मिला ही नहीं उनको। शंकर जी ये कौन है, बोले ये वैष्णव नाम जथा संभो, भगवान की भक्त में सबसे बड़े भगत श्री शंकर जी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शंकर जी के बराबर जगत में भगवान राम को व्रत कौन धारण कर सकता है। इसलिए इनके बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं होती है। जब भगवान राम रूप में आए फिर शंकर जी के रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान। शंकर जी ने देखा इसी शरीर से मैं प्रभु को सेवकाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने रुद्र शरीर को त्याग करके श्री हनुमान बन करके आए। अब तो पता है हनुमान जी कितने प्रभु की सेवा किए हैं। जब वो कन्या रूप में आए, आप लोग रासलीला सुनोगे, शंकर जी गोपी बन कर आते। वृंदावन कौन कौन गए हो, वृंदावन कोई कोई गए हो, आप देखना वहां पर श्री गोपी महादेव है। दिन में तो शिवलिंग के दर्शन है, शाम को उनको बड़े सुंदर गोपी रूप में शंकर जी को सजाया जाता है, क्योंकि शंकर जी गोपीश्वर रूप में से भगवान की ये रास दर्शन करने के लिए आए थे। इसलिए कहते इनका जो शरीर में क्या लगाते हैं, बोले शमशान की राख लगाते हैं। बोले क्यों, कहते ये शंकर जी ये जगत गुरु है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित मानस लिखते हैं सर्वप्रथम शंकर और पार्वती को गुरु रूप में इनके वंदना करते हैं, ये जगत गुरु श्री शंकर जी। इसलिए ये गुरु रूप में हर जीवों को शिक्षा देते हैं। बल जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में लेकर सजा रहे हो, कितने साबुन कितने शरीर में क्या क्या लगाते हो, तुम्हें पता है ये शरीर का नाम क्या है, बोले दो मुठी राख और कुछ नहीं है। इसलिए शंकर जी शमशान को पास में रहते हैं और दुनिया को देखते रहते हैं। जब कंधे पर सबको लेकर के आते हैं क्या बोलते हैं, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है और सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते आते हैं। फिर जब कंधे से नीचे उतार देते हैं फिर राम नाम सत्य नहीं, बेटा सच्चा है, बेटी सच्चा है, बीवी सच्ची है।
इसलिए शंकर जी वहीं पर बैठ बैठ करके देखते रहते हैं दुनिया कैसे, वहीं पर सबके सब आना पड़ता है। इसलिए शंकर जी जब जब वो रात को देखते हैं तब तब उनको याद आता है भैया जिस शरीर को इतने चवनप्राश खिला खिला कर कितने तंदुरुस्ती बना रहे हो, ये शरीर का परिणाम एक दिन दो मुठी रात है ना, इसलिए शरीर में आसक्ति मत रखो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले महामंत्र जय जपत महेशा, महामंत्र जय जपत महेशा, महामंत्र जय जपत महेशा, सबके सब हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे सब हाथ उठा कर सबके सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार सब जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी के सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है, कोई जुई बेली चमेली नहीं, कहते आकर और धतुरे। बोले क्यों शंकर जी बढ़िया बढ़िया फूल क्यों धारण नहीं करते हैं, कहते नहीं मैं तो प्रभु का सेवक हूँ ना, प्रभु जो चीज को ग्रहण नहीं करते हैं अपने आप जंगल में जो चीज हो जाए वो मैं धारण करूंगा, जितने जुई बेली चमेली मेरे प्रभु राम और कृष्ण सेवा के लिए। इसलिए वो चंदन नहीं लगाते वो रात मलते हैं, तो चंदन तो मेरे प्रभु की सेवा में लगे, क्योंकि शंकर जी भगवान की सबसे प्यारे संत शंकर जी है। इसलिए शंकर जी संत हैं, संत क्या करते हैं अपने आप को छुपाना चाहते हैं, इसलिए शंकर जी जाकर कहाँ बैठे बर्फ के ऊपर कैलाश के ऊपर, लेकिन उन्होंने तो कोशिश की मेरे को लोग कोई तंग नहीं करे, लेकिन तब भी अपने आप को छुपा नहीं सके। बोले क्यों, बोले शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु है, आप लोग बता सकते हो शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु क्या है, कौन बोलेगा हाथ उठा। शंकर जी तो कोशिश किया छुपाने के लिए लेकिन छुपा नहीं सके, बोले क्यों सबसे बढ़िया पवित्र वस्तु शंकर जी में बता सकते हैं कौन सा वस्तु है, बोलो कौन बोलेगा, कहती है पतित पावन श्री गंगा है। शंकर जी में शंकर जी की जटा में कौन है, बोले श्री गंगा माता जी है, बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए शंकर जी अपने आप उन्होंने छुपा नहीं था, इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए गोकुल में प्रभु पहुंचे। इतने में एक दासी थी दरवाजा पर, शंकर जी ने बोले मैंने सुना है नरक में सुंदर लाला भयो है। वो दासी बोले लाला भयो तो तेरा कहाँ भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा तेरे को देख कर मेरा ही जीत बड़ा करा है, कुछ दिन पहले पुत्र आ गई वो वैसे ही बड़ा खतरनाक बड़ी सुंदरी बन करके आई थी निकली बड़ी खतरनाक, और तू देखने में तो वैसे लग रहे हो, तेरे को तो देख करके मैं जी घबरा रहा है, अभी तो हमारा लाला बड़ा छोटो सो और बड़े जल्दी नजर लगाते हैं लाला को, इसलिए बाबा लाला के दर्शन नहीं होगा, जो कुछ भिक्षा लेना सोना चांदी लो अपना रास्ता देखो। वो गोपी तो जा करके बोल दी मैया यशोदा को, बोले जसोदे कहीं से एक बाबा आया, वो कहता है लाला को दर्शन करा दो।
बोले उसको देख करके मेरा तो जी घबरा रहा है। इतने में भैया आ गए और देखा संत जी को, बोले बाबा कहाँ बात है। बोले भैया तेरे लाला को थोड़ा दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा तेरे लाला को। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी और तू तो देखने में वैसे लगते हो, मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती, लाला का दर्शन नहीं हुआ, जो कुछ भिक्षा चाहते लो और अपना रास्ता दे। मैया तो कन्हैया को लेकर के सीधा कोड़े में छुपा दी। आप लोग अगले गांव जाओगे ना, वहां पर अभी भी एक कुंड है जिसका नाम जिया कुंड है। कहते शंकर जी 3 दिन तक वहीं पर बैठे रहे प्रभु को दर्शन करने के लिए, त्रिशूल बाहर करके। इतने में शंकर जी प्रार्थना किया है, प्रभु आपके सारे लीला दर्शन किए लेकिन आपका बाल गोपाल लीला दर्शन नहीं कर पाए, मुझे कृपा करके दर्शन दो। संत कृष्ण बड़े भक्तवत्सल है। इतने में श्री कृष्ण शंकर जी को दर्शन देने के लिए बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर दी। और इतने जोर से रो रहे थे, मैया जितने थप थप लगा करके लगा रही थी, कन्हैया उतना रो रहे थे, पूरा परिवार परेशान हो गए, लेकिन लाला का रोना बंद नहीं हुआ। एक गोपी बोली, भैया वो जो बाबा आया है ना, वो कहता है जब तक लाला को दर्शन नहीं दोगे यहाँ से जाने वाला नहीं, त्रिशूल गाड़ कर बैठा हुआ है और आग बंद करके पता नहीं तेरे लाला के ऊपर कुछ जादू टोना कर रहा है। इतने में मैया यशोदा ने काला कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, यहाँ पर गोंद लगा दी, गले में काला धागा बांध करके लाला को कोई नजर नहीं लग जाए, बड़े कष्ट से लेकर के मैया लाती है। बोले बाबा तू बड़े अखड़ हो, मान में रहे, ले लाला को दर्शन कर। बोले एक झलक कृष्ण का दर्शन करा दी। कृष्ण तो जो रो रहे थे ना, वो खिलखिली खिलखिली लगकर हंसने लग गए। शंकर जी जो हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिए। ब्रजवासी समझ गए, क्या लगता है ये बाबा कुछ जानता है। बोले क्यों? बोले अभी तक तो लाला रो रहा था लेकिन इनको दर्शन करते ही लाला हंसने लग गया। लगता है बाबा ने लाला का तो रोना ले गया और लाला को अपना हंसना दे दिया, ये जरूर कुछ जानता है। अगर किसको पता चले ना, कोई साधु हाथ देखना जानता है, थोड़ा जादू टोना, फिर क्या होता है, जितनी माताएं सब जाए। बोले बाबा मेरे हाथ देख लो, फिर लाला क्या किया होगा, बेटी की क्या होगी, अभी सबके सब मेरे घर गए सबके सब। बोले लाला बाबा लगता है तू कुछ जादू टोना जानते। बोले हाँ जानता हूँ। बोले मेरे लाला कभी बीच बीच में बहुत रोता है, बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, तेरे पास में कोई जादू टोना है? बोले अगर एक काम करोगे ना, कभी तेरे लाला के ऊपर जादू ना नहीं लगेगी। बोले बता दो बाबा। बोले जब जब तेरे लाला को तुम स्नान कराओगे, उनका जो पानी जो चरणा तो ला करके मेरे सर पर डालो। बोले बाबा सो कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे ना, कभी तेरे लाला के ऊपर नजर ही नहीं लगेगा। बोले बाबा बता दो, जब तेरे लाला को खाना दोगे, वो प्लेट में जो बच जाएगी उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले बाबा सो काम कर लूंगा। देखो ये जो घटना है 5,500 साल की ये कथा है। अगर आप कभी नंदगांव में जाओ, जहां भगवान को स्नान करा रहे हैं, वहां से सीधा एक नाली आती है शंकर जी शिवलिंग को ऊपर में, वहां पर श्री नंदीश्वर महादेव है। क्योंकि भगवान जो स्नान करते हैं उसका नाम चरणामृत है। शंकर जी की जटा में कौन है? कहते पतित पावन गंगा है। ये गंगा कौन है? बोले श्री वामन देव का चरणामृत ये गंगा है। इसलिए देखना जो कांवर होते हैं ना, कितने दूर से गंगा पानी लाते हैं। बोले क्यों? बोले ये गंगा पानी ठाकुर जी चरणामृत है। शंकर सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है ठाकुर जी कोई चरणामृत अगर उनको दे, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं शंकर जी। और एक बात समझो, जैसे कभी कभी हम हनुमान जी को नहीं तो शंकर जी को देवी को हम लेकर कोई प्रसाद लेकर चढ़ाते हैं, कहते नहीं ये नियम नहीं। जैसे हनुमान जी भले ही उनको जितने लेकर लड्डू खिलाओ, क्या हनुमान जी भूखे हैं तुम्हारे लिए खा लेंगे? जब राम दरबार लगता है हनुमान कहाँ बैठे हुए रहते हैं? ठाकुर जी के चरण में हाथ जोड़ करके। एक चीज समझो, जब तक भगवान राम कोई चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, फिर माता जानकी ग्रहण नहीं करती है,
करोड़ों रुपया के लड्डू से हनुमान जी को दे दो, हनुमान फेर करके देखेंगे नहीं लड्डू को। बोले क्यों? कहते भगवान राम की एक निष्ठ भक्त है, जब भगवान को कोई चीज भोग लगेगी तभी श्री हनुमत लाल जी तभी ग्रहण करेगा। इसलिए अगर हनुमान को कोई चीज खिलाना तो कभी भी डायरेक्ट उनको मत दो, पहले श्री राम को माता जानकी और तुलसीदास से बोलो। अगर भोग लगाएगा ना भले ही हनुमान को मत दो, लपक कर खा लेंगे। क्यों? वो राम के भक्त है। हाँ, ये चीज को समझो। शंकर जी कौन है? कहते शंकर जी वैष्णव नाम जथा सब, ये पर्व वैष्णव श्री शंकर जी। बोले माता कौन है? बोले माता जी वैष्णवी माता है। नाम सुने माता वैष्णवी माता है। कहते जब तक श्री भगवान कृष्ण राम ने कर नारायण है, जब तक इनकी भोग में कोई चीज नहीं लगेगी ना, कहते तब तक प्रभु राम, तब तक शंकर भी ग्रहण नहीं करते, तब तक माता देवी भी ग्रहण नहीं करते। देखो आपके एक सुंदर कथा में सुनाता हूँ, स्कंद पुराण की कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुना। बोले एक समय श्री नारद जी ने को पता चला, अगर भगवान का प्रसाद एक बार, भगवान विष्णु का अगर कोई एक बार प्रसाद खाए तो कहते उसको जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए उसको मुक्ति मिल जाती है। एक दिन श्री नारद जी भगवान विष्णु पास में गए, बोले प्रभु जी थोड़ा आपको प्रसाद दोगे? बोले नारद जी ये प्रसाद मैं नहीं दे सकता, ये माँ लक्ष्मी बनाती है, अब इनको खिलाने का बाद वो क्या करती नहीं करती उसको पता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मी को पास में जाओ। अब श्री नारद जी लक्ष्मी के पास में गए, बोले माता जी थोड़ी सी ठाकुर जी का प्रसाद दो। लक्ष्मी बोली तू बीच से कहाँ आ गया, मैं इतने कष्ट करके ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाती हूँ, ठाकुर जी प्लेट जो थोड़ी बहुत छोड़ देते हैं उसको खा करके मैं अपना जीवन धारण करती हूँ, तू बीच से कहाँ से आ गया, प्रसाद नहीं मिलेगा। उन्होंने नारद जी को बताया। फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए, बोले भैया तो मेरे को भगा दिए वहां से। देखो उधर सुनो भैया, आगे घूमने वाले भाई आप अभी जाकर बैठ जाओ, अभी कुछ करने का जरूरत नहीं, जो कीर्तन हुआ तभी आकर सजा कर जा, जा बैठ जा पीछे जा कर। अभी श्री नारद जी फिर विष्णु के पास में आए, इनमें विष्णु जी बोले तुमको कुछ करना पड़ कर सकते हो? बोले प्रभु बताओ। बोले देख तेरे को एक रहस्य बात बताता हूँ, मेरे मंदिर को पीछे एक कुआ है वो ढका हुआ है, उसका पत्थर को हटाओ और उसमें स्नान करो, स्नान करते ही तुम्हारी ये नारद शरीर बदल जाएगी, एक सुंदर तुम गोपी मूर्ति धारण करोगे। अभी गोपी मूर्ति लेकर के माँ लक्ष्मी को पास में जाओ, इतने सेवा करो माँ लक्ष्मी की, इतने सेवा करो जैसे माँ लक्ष्मी तुम दिए बगैर जैसे कुछ रह नहीं सके। फिर जब कुछ देने चाहेगी तो उनको तीन बार कसम खिलाना, फिर मांगोगे प्रसाद मिलेगा, नहीं तो प्रसाद इतना आसान नहीं। नारद जी कितने हजार साल तक माँ लक्ष्मी की चरण की सेवा की, इतने सेवा की, इतने सेवा की, एक दिन तो मैया लक्ष्मी इतने रीझ गई, बोले तेरी जैसे सेविका मैंने कभी नहीं देखा, तेरे पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले आप तीन बार कसम उठाओ फिर आपको मैं मांगूंगी। मैया लक्ष्मी तीन बार कसम उठाए, तब उन्होंने बोले ठाकुर जी की मुझे थोड़ा प्रसाद दो। लक्ष्मी बोली तू सच सही बताओ तो देखो, लगता है तेरी असली स्वरूप नहीं है, क्योंकि भगवान की जो प्रसाद है इसकी महिमा को सब नहीं जानते हैं, और इतने दिन तुम ये सेवा कर रहे थे जरूर कुछ मतलब है, तुम सही सही बताओ तू है कौन। इतने में स्वयं नारद जी वहां प्रकट, जब नारद जी प्रकट हुए माँ लक्ष्मी प्रश्न करती है तुमको ये रास्ते से नहीं दिखाया? बोले स्वयं ठाकुर ने बताया, वो रीझ गई है, तीन बार कसम खा चुकी। जब भगवान नारायण प्रसाद पाए, दाल भात सब्जी उन्होंने सबको मिला करके उन्हें श्री नारद जी को हाथ में दिया, नारद तो प्रसाद पा करके बिना बजाते बजाते कीर्तन करते करते तुम नाचते कूदते भाई पहुंचे कैलाश में। शिखर जी वहां पर देखे, नारद तो अंदर में आनंद है लेकिन आज लगता है कोई विशेष आनंद है। बोले नारद जी
इतने आनंद तुम कहां से मिले? बोले आज मुझे ठाकुर जी की प्रसाद मिला है। शंकर जी बोले देखो मियां ही प्रसाद बांट करके खानी चाहिए, पर बैकुंठ जाते हैं, प्रसाद अकेला कभी नहीं चाहेंगे, मेरे लिए कुछ लाए हो। बोले अरे कितने हजार साल के बाद में माता लक्ष्मी मेरी थोड़ी सी उन्होंने प्रसाद दी। बोले देखो ना तुम्हारी हाथ में लगा हुआ होगा, सचमुच से एक अन्न का दाना श्री नारद जी को हाथ में था। शंकर जी एक खिड़का खाए तो शंकर जी तांडव नृत्य चल रहे, शंकर और नारद जी दोनों तांडव नृत्य कर रहे हैं। इतने में वहां पर माँ लक्ष्मी माँ पार्वती थी, पार्वती ने बोले प्रभु आज इतने क्यों नाच रहे हो, क्या कारण है इतना आनंद क्यों? बोले हमें ठाकुर जी का प्रसाद मिला। पार्वती बोली प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपको जो कुछ मिलेगा उसमें आधा हिस्सा मेरी है, मेरे लिए प्रसाद रखे कि नहीं? बोले अरे एक अन्न का दाना था। बोले जो कुछ क्यों नहीं हो, उसमें आधा हिस्सा मेरी थी। इतने में तो माता पार्वती बिगड़ गई, बोली ये नारद जी बड़े स्वार्थी है, प्रसाद ना पूरा खा लिए और शंकर जी को थोड़ी सी मिला तो वो भी पूरा पूरा खा लिए। कहते और मैं ये कैलाश में मैं नहीं रहूंगी, मैं कैलाश छोड़ करके मर्त्य जगत में श्री जगन्नाथ पूरी धाम में जाऊं। जब भगवान जगन्नाथ जी को पहले भोग लगेगा सबसे पहले मैं खाऊंगी और फिर ये अन्न को मैं दुनिया को लुटाऊंगी। इसलिए बोले जगन्नाथ जी की भात और जगत बसाए हाथ। इसलिए आप लोग को जगन्नाथपुरी गए कौन? जगन्नाथपुरी देखो गए है ना, ठीक जगन्नाथ मंदिर को पीछे देखना माता बिला जी का मंदिर है, जो बाहर पीठ में माता के जो चरण है वहीं पर गिरा हुआ था जगन्नाथ मंदिर के अंदर में। जब जगन्नाथ जी की प्रसाद भोग लगता है जो सोने की प्लेट वो सीधा माँ पार्वती को पास में आएगी। वो माँ है ना, माँ क्या करती है पहले खाती है, माँ पहले पति को खिलाएगी बच्चों को खिलाएगी फिर जाकर के माँ खाती है। इसलिए वो माँ है, इसलिए वो अकेली नहीं खाती है, वो वहां पर जितने लोग होंगे सबको प्रसाद वहां देना पड़ता है। अभी भी ये नियम है, इसलिए हर जगह में देखना जैसे कृष्ण हो राम हो नारायण हो जब इनको कोई भोग लगता है इसको प्रसाद कहते हैं। यानी वही प्रसाद जब भगवान की किसी प्यारे भक्तों को भोग लगेगा वो प्रसाद नहीं है, उसको महाप्रसाद कहते हैं। वो प्रसाद की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कभी जगन्नाथपुरी गए ठीक उसको पहले एक भुवनेश्वर है वहां पर श्री शंकर जी, उनका नाम है लिंगराज मंदिर। पृथ्वी में सबसे बड़ा शिवलिंग, पृथ्वी में इतने बड़े शिवलिंग कहने देखो भाई इतने बड़े शिवलिंग है वहां पर, और एक शिवलिंग के गंगा जमुना की धार और हरिहर दोनों एक शिवलिंग में, पृथ्वी में एक ही शिवलिंग वहां पर देखोगे जिसमें गंगा जमुना की धार है और हरिहर एक स्वरूप में वहां पर विद्यमान है। और उसको पास में और एक शिवलिंग है जिसका नाम करोड़ों शिवलिंग, ये चीज आप कभी नहीं देखोगे, एक शिवलिंग में करोड़ों शिवलिंग हो गए, इतने 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 करोड़ों शिवलिंग एक शिवलिंग में प्रकट है। इसलिए उसका नाम श्री भुवनेश्वर है, वहां पर बिंदु सरोवर है जहां पर शंकर जी त्रिशूल से उन्होंने सरोवर को बनाए जिसमें माता को उन्होंने पानी पिलाए थे। वहां पर गौरी कुंड है, माता स्वयं पार्वती भी एक कुंड बनाए है। देखो आप लोग समझ गए कि इसलिए जब कोई चीज हो पहले भगवान कृष्ण हो राम हो नहीं तो नारायण हो पहले उनको भोग लो, फिर वो प्रसाद को फिर शंकर जी को दो, माता पार्वती को दो, हनुमान जी को दो, गणेश जी को दो, वो बड़े प्रसन्न होकर के वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इसलिए शंकर जी अभी ही अगर नंदगांव जाओगे पहले कन्या खाते हैं, फिर वो सीधा प्लेट श्री नंदेश्वर महादेव के पास में आता है, फिर शंकर जी वो प्रसाद को सेवन करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भोले बाबा की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक दिन कृष्ण ने जब मना का कृष्ण हो गए
इतने में कृष्ण ने करवट ले लिया। मैया जसोदा तो बड़ी खुश हो गई, आज लाला ने करवट लियो है, आज ये करवट लेने का आज हम यहाँ पर कीर्तन गा रहे हैं। उन्होंने सारे अड़ोसी पड़ोस में जितने गोपियां थी सबको नौता दे दी, आज घर में कीर्तन हम करेंगे। अपना आंगन को साफ सुथरा करके दूर में एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और कन्या को लेकर उस पर नीचे बैठा दी। गोपियां गीत गाना भी तो लाला की कच्चा नींद नहीं टूट जाए। अभी गोपियां मिल करके बड़े सुंदर कृष्ण का कीर्तन कर रहे, भले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़े रंग काला, जियो श्याम लाला। संत हर साल आकर कथा करते हैं,
एक बार कथा करके गए, दूसरे साल में आए तो जो कथा सुनने के लिए आए थे उनसे प्रश्न किए, बोले ये बताओ पिछले साल मैंने जब कथा करके गया था ये कथा मैंने कहाँ पर विश्राम की, फिर उसको बाद में घर में कथा ना हुआ। अभी एक साल हो गया सबके सब भूल बैठे, किसकी याद नहीं। वो संत ने कहा लगता है यहाँ पर कोई कथा नहीं सुनते, यहाँ पर कोई कथा नहीं सुनते। जब इतने बोले वो ठाकुर जी की मंदिर से आवाज आ रही, बोले बाबा आप कैसे कह रहे हो कथा नहीं सुनते हैं, कोई कथा मैं सुनता है ना, कथा मैं बैठ बैठ कर सुनता हूँ ना, आपने कथा यहाँ तक कथा की थी और इस आगे और कथा बढ़ेगी। ठाकुर जी स्वयं आवाज देते हैं, इसलिए भगवान की कथा सबसे प्यारी, भगवान को जितनी अच्छी लगती है। कीर्तन में आए अपना भजन हो रही लाए नहीं मैं कहीं और, लेकिन कृष्ण का पर कितना है कोई बात, 3 महीना अभी प्रभु जी घुटन पर भी चल नहीं आता है। कृष्ण ने सोचा अरे मैं जोर जोर से रहूं ना, फिर भैया मेरे को यहाँ से उठा करके ले आए। इतने कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, फिर रो रो करके कृष्ण थक गए। क्यों, वहां बड़े जोर तोर से कीर्तन हो रही थी, फिर मैया कौन आया किसको क्या देना क्या लेना उसी में मैया लगी हुई थी। कृष्ण तो रो रो कर थक गए, बोले कहो और कितना रो, इतना तो रो लिया, तब भी मैया मेरे गुठा करके नहीं ले जा रही है। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने उन्होंने कंस को प्रेरणा की, कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था शकटासुर। कहती है पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, देखने में बड़े लंबे चौड़े थे। एक ऋषि आश्रम में प्रवेश करके सारे पेड़ पौधे पौधा को तसनच कर दिए। संत ने कहा भगवान ने इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए, संतों को ठाकुर जी की बगीचा को उजाड़ने के लिए, जा तेरे में अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान है मेरा ये शरीर ही नहीं रहेगा। जिसका शरीर धारण ले गया सारे नशा उतर गई, संत चरण में गिर पड़े, संत बड़े दयालु होते हैं, बोले जाओ जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनकी चरण की स्पर्श से तुमको मुक्ति मिले। बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए उसको ऊपर में सवार हो जाओ तो दबाते 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 ऐसे दबा दूंगा कृष्ण तक पीस जाएंगे। जब उसने दबा रहा था कृष्ण ने बैलगाड़ी एकदम पलट गई और सब बिखर गया, जितने गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रहे थे सब के सब भागते भागते आए। बोले भैया आंधी तूफान कुछ है नहीं, पलटी कैसे है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने कहा भैया भैया हम बताएंगे, बोले बताओ, बोले कन्हैया जी चैनल की ठोकर से बोले लगता है भांग की गोला दाना खा लिया। अरे मेरे लाला भी 3 महीना की हर चरण की बैलगाड़ी पलट जाएगी, लेकिन ये ब्रज विश्वास नहीं हुई। फिर भैया ने कन्या लेकर कीर्तन का बीच में लगा दी, फिर कीर्तन करने लग गए। कृष्ण का भैया मैं तो यही चाह रहा था, मेरे लिए कीर्तन मेरा ये सब कुछ, अब मेरे को पता नहीं कहां हाथ में लेटा देती। कृष्ण बड़े खुश हो गए, देखो ध्यान कर सुनो एक चीज लेकर घर से घर जाओ। यहां पर उत्सव हो रही थी, लेकिन कृष्ण को क्या किया ये उत्सव से उन्होंने उनको अलग कर दिया। कहां पर लिटा दी, बोले बैलगाड़ी के नीचे, और उसको ऊपर क्या रख दिया, दूध दही मक्खन। मतलब है भगवान को तो भगवान की कीर्तन से उत्सव से अलग तो कर दिया, फिर घर का जो सामग्री को ऊपर है और कृष्ण को नीचे, मतलब व्यवहारिक वस्तु को तो कर दिया ऊपर और भगवान को कर दिया नीचा। भगवान ने बोले भैया मेरे लिए सब कुछ हो रहा है और मेरे को अलग कर दिया, इसलिए भगवान ठोकर मारे। इसलिए कृष्ण सिखा देते हैं, देखो घर में जब कोई काम हो, ये दुनिया किसने बनाया, ये दुनिया किसका है, ठाकुर का दुनिया है, ठाकुर ने बनाया सब कुछ। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे का कोई बर्थडे हो, नहीं तो अपना शादी का दिन हो, नहीं तो शादी हो, क्या करें, सारा दुनिया को बुलाएं, सारा दुनिया को बुला करके किसको कपड़ा देंगे, किसको लता देंगे, किसको खाना खिलाएंगे, पता नहीं कितना बोतल तोड़वा देंगे, कितने जानवर को खत्म कर देंगे, उनके लिए सारा दुनिया करते हैं। लेकिन जिसने दिया तुमको सब सुख सुख, दिन में दो दो बार साड़ी बदला देंगे, लेकिन घर में ठाकुर जी बैठे हुए गोपाल जी
10-15 दिन से एक कपड़ा भी रहे थे। ठाकुर तो 10-15 दिन से एक कपड़ा पहने हुए, और जिसने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम दिन में 2-2, 3-3 बार साड़ी बदला रहे हो, दो तीन बार तुम साड़ी बदला रहे हो। देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने अनुग्रह। द्रौपदी ने क्या की, अपना साड़ी को फाड़ करके भगवान की अंगुली में बैंडेज कर दी। ठाकुर जी देखे द्रौपदी आज मेरी अंगुल कट गई, तो तुम अपना इतने कीमती साड़ी को फाड़ दिए और मेरे अंगुल में तुमने बैंडेज कर दी, इसकी रीढ़ी में कब चुका, इसका रीढ़ी में कब चुका। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी वस्त्र हरण कर रहे थे, कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए और इतने कपड़ा दिए, इतने कपड़े दिए, दुशासन का 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी को खत्म नहीं कर पाए। यहाँ सिखा देते हैं, आप देखना ये दुनिया में हम सबकी सेवा करते हैं, बेटा बेटी नाती पोती दुनिया को सेवा करते हो, अभी तक किसको संसार में खुश कर पाए आप लोग बताओ। तुम्हारी पति खुश हुआ तुम्हारे ऊपर में, ना तुम्हारी बीवी खुश हो गई, ना तुम्हारी बेटा खुश हो गई बेटी ना, अभी तक किसको खुश कर पाए। ये दुनिया ऐसे एक दुनिया है, आप जीवन में किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन ठाकुर जी ऐसे एक चीज है, उनके लिए इतना करोगे ना वो इतना करते हैं हमारे लिए, लेकिन उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, जब घर में कोई भी फेस्टिवल हो अपना लिए वस्त्र पहले मत खरीद करा करो। घर में जो गोपाल बैठे हुए होंगे, ठाकुर जी बैठे होंगे, पहले ठाकुर के लिए वस्त्र खरीद करो, फिर अपना लिए, बेटा बेटी जिसके लिए खरीदी करते हो फिर उनके लिए फिर खरीदी करो, पहले ठाकुर जी के लिए। पहले क्या करो, घर में जो कुछ बनता है सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा दुनिया को खिलाए। देखो और एक चीज समझो, अब बुरा मत मानो, ये संत कहते हैं, कभी कभी बचड़ा भर के जो बनाते हैं, अपना शादी करवाते हैं, पता नहीं कितना बोतल हम तोड़वा देते, समझ रहे हो, बोतल तोड़ो बना कितना शराब बोतल खत्म कर देते हैं, और कितने जानवर को वहां पर हत्या कर डालते हैं। देखो ये संतों का कहना है, भैया जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तोड़वाया, इतने जानवर को तुमने हत्या की, क्योंकि उसी उद्देश्य इतने पाप कर तुमने करवाया। इसलिए कोई भी तिथि हो उसमें कोई भी गंदा काम नहीं करने का, शराब पीने वालों को तो भुला। इसलिए हम कहते हैं शुभ विवाह है, ये शुभ विवाह कैसे हो गया बताओ, ये अशुभ विवाह है। इसलिए उसमें भगवान के लिए बनाओ, ठाकुर के लिए बनाओ, पहले भगवान को शुद्ध रूप में खाना बनाओ, ठाकुर जी को खाना खिलाओ, वो प्रसाद सब दो, जो खाएगा उसका भी कल्याण और जो देगा उसका भी कल्याण है, सबका कल्याण है। इसलिए कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं, उत्सव हम कहते ना उत्सव, उत्सव मतलब ऊत मतलब होता है निकाल दो। बोले किसको, अगर भगवान को वहां से निकाल दिया क्या रह जाएगा, बोले सब, सब मतलब मरा हुआ शरीर। अगर जिस चीज में भगवान को साथ में कोई मतलब नहीं, कभी भूतों का नाच वो कोई उत्सव नहीं है, उत्सव है सब। इसलिए यहाँ पर कृष्ण किया इस ठोकर मारे घाट पड़ा दिया, मतलब भगवान कहते हैं जो कुछ करो मेरे को लेकर के करो, नहीं तो ठोकर मारूंगा ना, सब सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए हमारे टीकाकार लोग कहते हैं हर चीज में भगवान को लेकर के हर काम करनी चाहिए। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मा घाट पर पहुंचे, कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए सबके सब एक ही प्रार्थना करते हैं, भले राधे तेरी चरणों की, कितना ब्रज धूप जो मिल जाए। इसलिए सबके सब एक चीज प्रार्थना करते, बोले राधे तुम्हारी चरण की धूल हमें मिल जाए। ब्रह्मा भी ब्रज में आए, एक ही चीज प्रार्थना किया, बोले तद भूल भाग्य में जन्म की अटव्यम जत गोकुल
कथमांद्री रजोभिषेकम। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले प्रभु अगर ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनकी दरवाजा को सामने अगर हमारी पत्थर जन्म भी हो जाए और वे अगर हमारा सरोवर में चरण रगड़े तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा हैं। इसलिए उद्धव भी आए, वो भी यही चीज प्रार्थना की, ब्रज में गुलम अथवा तृण रूप में मेरे जन्म हो। इसलिए रसथान कहते हैं, बोले रमण लेती लेट और नहीं क्यों ना जमना। बोले ब्रज दो काम आकर करनी चाहिए, एक मतलब जमुना में आचमन लो और दूसरी काम क्या करो, रमण रीति में जहाँ पर भगवान ने लीला की वहां पर जाकर लौट बोट खाओ। इसलिए कृष्ण सोचा जो कोई आए ब्रजरज ब्रजरज ब्रजरज। एक दिन कृष्ण ब्रह्मांड घाट में सखाओं को साथ में खेलते खेलते उन्होंने एक मिट्टी की थैला में डाल दी। सखा ने कहा कन्या मिट्टी में बताया अगर पेट खराब हो जाएगा, लेकिन कृष्ण किसी बात नहीं सुन रहे थे। इतने में सखाओं ने जाकर के मैया से शिकायत की, बोले मैया तेरे लाला आज मिट्टी खाए। मैया बोले अब तक ये मक्खन चोरी चोरी खाता था, अब मिट्टी खाना शुरू कर दिए। मैया तो डंडा लेकर सीधा आ गई और कन्या को कहां पकड़ ली और कही, बोले झूठे अपवित्र। देखो जिनके नाम लेने पर जीव पवित्र होते हैं, मैया कहती तू अपवित्र झूठे लवार, तुमने आज मिट्टी खाई। और कृष्ण तो एकदम सीधा सफेद झूठ बोल दिए, बोले ना अहम भक्सी दवानंगो सर्वे मिथ्या विसंसिनम। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सखा लोग जो शिकायत कर रहे हैं, बोले मैया आज कहा भयो रे को पतो है। बोले कहा भयो, बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब चोरी चोरी करके लाते और मेरे को बोलते कन्या तू खा, लेकिन मैया तेरे को पता है मैं कसी चोरी का चीज नहीं खाता हूँ। बोले मेरे को अच्छा तरह से बता क्या करता नहीं करता। बोले सखा लोग मेरे को जोर जबरदस्ती की और मैंने खाई नहीं। सखा लोग तो समझ गए ये तो जा करके हम मैया के पास में चुगली कर देगा और मैं चुगली करने से पहले मैं चुगली ये लोग करती हूँ और तू जल्दी जल्दी इनकी बात तो सुनती हो हैं। इतने में बोले ताऊ तुम सही सही बताओ कन्या मिट्टी खाए कि नहीं। बोले भैया अपना आत्मा से मैंने देखा कन्या को मिट्टी खाते हुए, फिर कहाँ जाएगा। कृष्ण बोले भैया ये दाऊ है ना ऊपर में तो देखने में बड़े गोरों हैं लेकिन अंदर में बड़े काले हैं। भैया मैं ऊपर तो काला दिखता हूँ, भैया अंदर में भैया मैं बड़े गोरों हूँ। देखो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं बलदेव प्रभु ऊपर में गोरे अंदर में काले, मतलब क्या है। आप वृंदावन में जाओ कहीं भी जाकर के देखो बलदेव प्रभु को कहीं भी आप गोरे नहीं देखो, बलदेव प्रभु को सब जगह में काले देखे। क्यों? वो कृष्ण चिंतन करते 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 काले बस यहाँ। और श्री कृष्ण ऊपर से काले अंदर में गोरे, मतलब क्या है। तो मैं श्री राधा रानी को चिंता करता हूँ आत्मा को राधिका, मेरी जो आत्मा है ना वो श्री राधा रानी, इसलिए मैं अंदर में गौरव हूँ। इतने में ही कृष्ण ने अपना झूठ को स्थापन कर लिया, इतने कसम खाने लगे। बोले मैया मैंने सूरज को हाथ उठा करके हैं मैं बता सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। गैया को ऊपर हाथ रख करके सौगंध खा सकती मिट्टी नहीं खाई। जमुना खड़े होकर के बोल सकता हूँ, दाऊ भैया का सर पर हाथ रख करके बोल सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। इतने में कृष्णा सोच रहे हैं, कृष्णा सोच रहे हैं अगर मैं इतनी सी बात बता दूं, अगर मिट्टी खाया तो मुंह से खाया, मुंह खोल कर देख लो हो सकता है मैया मान जाएगी। कृष्ण ने कहा मैया अगर मिट्टी खाए तो मुंह से तो खाया ना। बोले हाँ मैंने मुंह खोल कर देख लो। वो सोच रहे थे तो मैया मान जाएगी, लेकिन मैया मानने वाली कहां थी। मैया तो एक धमकी लगाई, धमकी लगाई तो इतने में कृष्ण का मुंह झट खोल गया तो इतने में जोग माया ने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। कितने ब्रह्मा कितने शंकर कितने ऋषि कितने ऋषि मुनि ग्रह नक्षत्र तारा सबके सब कृष्ण के मुखार बंद। मैया
मैया खुद को खुद पेट कदर में देख रही थी। मैया को डर गई, हे भगवान मैं क्या अल्लाह बुलाई देख रही हूँ, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान भी। कृष्ण डर गए, बोले क्यों डर गए, बोले अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे सालग्राम सिया है, मैया क्या करके थोड़ी लड्डू नहीं तो मिश्री भोग लगा देती है और घंटी ला हिला करके, बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु ससहा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व मम देव। फिर मैया क्या करती, फिर दरवाजा बंद कर देती। अगर मैया को पता चला मैं भगवान हूँ, मेरे लिए भी छोटी सी मंदिर बनाएगी और थोड़ी सी लटने तो मिश्री भुलाकर दरवाजा बंद कर देगी, फिर मेरी क्या होगी, मैं जो इतना लीला करता हूँ लीला बंद हो जाएगा। कृष्ण डर गए। अभी कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया ने देखा भैया तो गड़बड़ी हो गई, उन्होंने सारे जो ब्रह्मांड का दिखा अंतर्ध्यान कर फिर देखा वही छोटे से मुंह और कुछ नहीं। हाँ देखो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं आप लोग, बताओ कृष्ण मिट्टी खाते कि नहीं, बोल कृष्ण मिट्टी खाएगी नहीं, खाए थे ना। फिर क्या कृष्ण झूठ भी बोले, दुनिया बोलेगा भगवान झूठ बोलते कोई दोष नहीं, और हम अगर झूठ बोले ना हमारी हरी दोष है, कोई बोलेगा ना भगवान मिट्टी खाए लेकिन यहाँ पर बोल दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई, दुनिया तो भगवान से शिक्षा लेगी। देखो हमारे से ही बल्लभाचार्य बहुत संत हुए, वो कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि 33 करोड़ देवता एक साथ में स्तुति करते हैं, बोले सत्यम ब्रह्म सत्यम परम त्रिसत्य सत्य सजोनि निहितम च सत्ये सत्य सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपद्ये। 33 करोड़ देवता एक साथ में स्तुति करते हैं भगवान का, धाम सत्य भक्त सत्य भगवान सनातन है, तो भगवान पर झूठ कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर जो बोल दिए मैंने मिट्टी नहीं खाई, हाँ यहाँ पर उन्होंने दो उदाहरण देखे समझाए कैसे भगवान मिट्टी नहीं खाई। पहला उदाहरण दिए बोले मैया खाना किसको कहते हैं, जब हमसे कोई चीज अलग हो उसको खाना कहते हैं। बोले ये तो विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में देख ले, विश्वास नहीं हो रही ना, सारा दुनिया तो मेरे अंदर में, फिर मैंने खाया कहाँ, तो दुनिया तो मेरे में ही। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है ये सांस्कृत शब्द है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे होगा ना अहम, मतलब मैं नहीं, लेकिन ये शब्द का जब जोड़ दोगे होता है नाहम। नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया तुम मिट्टी की क्या बात करती हो, ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने खा करके रखा, तेरे विश्वास नहीं हो रही, देख मेरे मुंह को। तो उन्होंने विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। यहाँ प्रश्न है फिर कृष्ण मिट्टी खाए क्यों, इसका क्या रहस्य है। बोले इसका रहस्य बताए, कब जितने ब्रह्मा शंकर नारद जितने देवता ये सब के सब ब्रज रज की प्रार्थना करते हैं, सारे ऋषि मुनि लोग भी ये ब्रज रज के लिए तरसते हैं, सब के सब ऋषि मुनि। इसलिए बोले मैया तू सो रहे हो मैं मिट्टी अकेला खाया, नहीं मैया देख ले ये मिट्टी मैंने किसको किसको दिया, मुंह को दिखाया ये विश्व ब्रह्मांड को ये मिट्टी दिया। बोले ये ब्रज रज दुनिया तरसते हैं ब्रज रज के लिए, मैंने सबको ये ब्रज रज दिया, मैना भैया मैंने अकेले नहीं खाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कौन तपस्या की तीनों लोग तरन कारण सो तेरे जनन की आपदा श्री
पति का नाम आ जाए तो वो कीर्तन गाय का गाय के
नाम नहीं ले सकते पति का नाम ना। तो वो माता रोज ताल बिगाड़ देती है, ताली उल्टा बजा दिया है और पति का नाम आ जाए कीर्तन बंद कर देती है, कीर्तन नहीं का मतलब। तो हुआ क्या, पंडित जी जो है करा लगा रहा कि तुम रोज आके सामने बैठ गई हो और कीर्तन में ताल बंद करती हो, पीछे बैठ ना तो बहुत गुस्सा हो। अब वो घर गए, अब घर जा करके सोचा क्या किया जाए, पंडित जी सामने नहीं बैठ गए। तो माता जो है, माता की दो बेटियां, एक का नाम है चंपा और एक का नाम है पुष्पा। तो माता जी उसी कीर्तन को घर पे जाके ले आ रही है। कैसे ऐसे काली मर्दन चंपा के पापा तब ससरन, काली मर्दन चंपा के पापा तब ससरन, काली मर्दन पुष्पा के पापा तब ससरन। तो देखिए ये दूसरे दिन क्या हुआ, प्रयाग घर के माता जी जो है पहले आकर के बैठ गए और बनारसी साड़ी बिल्कुल सज धज गया पहले आते हैं। और पंडित जी गा रहे हैं क्या, ताली मर्दन नंदन नंदन देवी नंदन सरसन। और माता जी क्या गा रहे हैं, ताली मर्दन नंदन नंदन चंपा के पापा तब सरसन। अब समझ गए आप, तो मुझे इसीलिए यहाँ लग रहा है कि पति का नाम आ जाता होगा आप लोगों का, जैसे गोविंद गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन किसी का नाम होता है, इसलिए आप लोग नहीं रह रहे। तो इस प्रकार नाम लेने से भी फायदा है, इसको कहते हैं नामाभास। नामाभास से अजामिल का उतर होगा, इस प्रकार भी नाम।